तुम ये सीधी साधी बात क्यों भूल रहे हो कि बराबर की शक्ति वाले जब टकराते हैं तो विजय किसी एक की अवश्य होती है, जो समझ बूझ से ज्यादा काम लेता है और समझ से वही काम लेता है जिसका जीवन तजुर्बों में बीता हो। खुलकर कहो मोहनलाल, आर चक्कर क्या है? मैंने मोहनलाल से नजर मिलाते हुए कहा, पहले तो तुम इस किस्म की बातें नहीं करते थे, सिर्फ इसलिए कि पहले तो मेरे चरणों की धूल भी नहीं थे। मैंने पुरातमाद अंदाज में कहा, ये क्यों नहीं कहते कि अब तुम मेरी शक्ति से खौफजदा हो? बालको जैसी बातें कर रहे हो कृष्ण कुमार, मोहनलाल बड़ी संजीदगी से बोला। तुमने अफजल बेग से कृष्ण कुमार बनने में कितने पापड़ बेले हैं ये मैं खूब जानता हूँ, परंतु तुम शायद ये भूल रहे हो कि मैं जन्म जन्म से महान पुजारी हूँ। मैंने घाट घाट का पानी पिया है, संसार का कोना कोना छान मारा है, धरती के सारे ऐश किए हैं। मेरी बात मान लो, तुम अभी बालक हो, महान शक्ति के घुमंड ने सोचने समझने से महरूम कर दिया है, लेकिन ये तुम्हारी भूल है कृष्ण कुमार। मैं तुम्हें मौका देता हूँ, अभी संसार में कुछ दिन और जी लो, अभी तुमने धरती पर देखा ही क्या है, जाओ और अपनी शक्ति का मजा लूटो। मोहनलाल, मैंने कदरे ब्रह्मी से कहा, इतनी लंबी चौड़ी बातों से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मैं फैसला कर चुका हूँ कि जब तक तुम्हें शिकस्त ना दूं चैन से नहीं बैठूंगा। हम दोनों देवी के महान पुजारी हैं, बेहतर है कि आज इस बात का फैसला हो जाए कि हम में से ज्यादा बलवान कौन है और कौन देवी के ज्यादा करीब है। यूं भी एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं समा सकती। फिर सोच लो कृष्ण कुमार, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने फैसले पर पछताना पड़े। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम कई बार हमले कर चुके हो और कष्ट उठा चुके हो, ये तो आने वाला समय तुम्हें बताएगा मोहनलाल के कौन पछताता है। मैंने सीना तानकर कहा तो मोहनलाल के चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी हो गई। वो मुझे खूंखार नजरों से घूरता रहा, फिर ठहरी हुई आवाज में बोला, मैं समझ रहा हूँ कृष्ण कुमार कि तुम क्या चाहते हो। मैं भी देवी पर तुम्हारा अधिकार नहीं चाहता, परंतु बलवानों में लड़ाई है, सो मैं एक बार तुमसे यही कहूंगा कि आग से खेलने की कोशिश मत करो, नहीं तो जलकर भस्म हो जाओगे। इस बात की चिंता ना करो मोहनलाल, क्या तुम्हें अब अपनी जीत पर विश्वास नहीं रहा? मुझे हर बात पर विश्वास है कृष्ण कुमार, लेकिन मुझे तुम्हारी जुबानी पर तरस भी आ रहा है, इसलिए जिद ना करो, मेरा कहा मानो, मेरे सामने से हट जाओ, इसी में तुम्हारी मुक्ति है। मोहनलाल, मैंने गरज कर कहा, देवी की कृपा से अब मैंने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली है कि मन का भेद जान सकूं। मैं जानता हूं तुम मुझे धोखे में रखकर मारना चाहते हो, परंतु तुम्हारी ये आशा कभी बुरी नहीं होगी, आज कोई फैसला होकर रहेगा। अच्छा, अगर तुम नहीं मानते तो तुम्हारी मर्जी। मोहनलाल, मैं पहल नहीं करूंगा, तुम बातें कम करो और अपना तमाशा शुरू करो, मैंने गजबनाक अंदाज में कहा। इतना सुनकर मोहनलाल के होंठ तेजी से हिलने लगे। वो किसी जंतर का जाप शुरू कर चुका था और मैं इस बात का मंतजर था कि मुझ पर हमला करे तो मैं से मजा चखाऊं। तहखाने में होलनाक सन्नाटा छाया रहा। फिर मोहनलाल ने अपना जाप खत्म करके मेरी तरफ फूंक मारी। भड़कते शोले नमदार होकर मेरी सिमत लपके, लेकिन मैं इसका पहले ही तोड़ कर चुका था। चनाचा आग के शोले मेरे शरीर से टकराकर ठंडे पड़ गए। मैं किसी आहनी चट्टान की तरह अपनी जगह जमा खड़ा रहा। मोहनलाल ने झिल्लाकर अपने पांव जमीन पर मारे। ये वही अमल था जिसका मुजाहरा वो एक बार पहले भी कर चुका था। जिस जगह पांव मारे थे वहां से दो कोड़ियाले नाग नमूदार होकर मेरी तरफ बढ़े। मैंने पार्वती का नाम लेकर एक मंत्र पढ़ा और शहादत की उंगली उठाकर झड़क दी। मेरा उंगली झड़कना था कि दोनों नाग दरमियान से दो टुकड़े हो गए। एक लम्हे के लिए वो पुख्ता फर्श पर तड़पते रहे, फिर गायब हो गए। मैंने मोहनलाल को छेड़ने की खातिर कहा, मोहनलाल, तुम जो ये तमाशे कर रहे हो ना, इसका तोड़ छोटे मोटे मदारियों से पहले भी कर लेते हैं। मुझसे टकराने के लिए तुम्हें कोई ऐसा वार करना होगा जो मेरे लिए बचाना मुश्किल हो। मोहनलाल ने अपने होंठ सख्ती से भींच लिए। मेरा जुमला सुनकर उसकी आंखों में खून उतर आया था। मुझे मोहनलाल की कसमसाहट से लुत्फ आया। चनाचा मैंने उसे मजीद चिढ़ाने के लिए कहा, तुम अदाकारी अच्छी खासी कर लेते हो, अगर मंदिरों के बजाय तुम किसी नौटंकी में होते तो बहुत बड़े कलाकार बन सकते थे। मोहनलाल ने इस बार मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। खामोश खड़ा मेरी सिमत देखता रहा। मैं अपनी जगह यही समझ रहा था कि मोहनलाल मुझसे मुकाबला करने से कतराना चाहता है। इस ख्याल ने मुझे कुछ और बेपरवाह बना दिया। इसकी हालत पर दिल खोल कर कहके लगाना चाहता था, लेकिन मुझे इसकी मोहलत नहीं मिली। जिस जगह मैं खड़ा था वहां की छत से अचानक खोलते हुए बदबूदार पानी की बारिश हो गई। हमला इस कदर अचानक था कि मैं इसका कोई तोड़ न कर सका। खुद को बचाने की खातिर तेजी से एक सिमत हटा, लेकिन इतनी देर में मेरे जिस्म पर लातदाद आबले पड़ चुके थे, जिनकी अजियतनाक तकलीफ ने मुझे दीवाना बना दिया। मैंने गुस्से की हालत में एक मंत्र पढ़कर फूंक मारी तो मेरे हतनाक बैरों ने हून और शाम भेड़ियों के रूप में नमूदार होकर मोहनलाल को घेर लिया। मुझे विश्वास था कि अब मोहनलाल मेरे बैरों के हाथों न बच सकेगा, मगर मोहनलाल ने एक जस्त लगाई और उछलकर भेड़ियों के नरगे से निकल गया। दूसरे ही लम्हे इसने कोई मंत्र पढ़कर फूंका तो मेरे बैर आनन फानन जलकर भस्म हो गए। मैंने दूसरा हमला किया, मगर वो भी कारगर न हुआ। तीसरी बार मैंने आगम बेताल का एक इंतहाई खतरनाक मंत्र पढ़ डाला। मंत्र का जाप जैसे ही खत्म हुआ, इसके बैर ने मोहनलाल की पुश से नमूदार होकर इसकी कोली भर ली और इसे सर से बुलंद करके फर्श पर इतनी जोर से पटखा कि मोहनलाल दर से चिल्ला उठा। लेकिन दूसरे ही लम्हे वो बिजली की इसी तेजी से पल खाकर उठा और अपना बायां हाथ उठाकर मेरे बैर की तरफ झड़क दिया।
मेरे बहन ने बचाव की कोशिश की लेकिन मोहनलाल के हाथ से निकलते हुए शोलों ने इसे जलाकर राख कर दिया। हम दोनों में देर तक इसी तरह मारकाराई होती रही। हम दोनों एक दूसरे पर जंतर मंतर आजमाते रहे। तहखाने में कभी खतरनाक जानवरों की आवाजें गूंजने लगती तो कभी आग के शोले बुलंद होने लगते। रात गुजर गई मगर दोनों में से कोई किसी को शिकस्त नहीं दे सका। हमने नफ्सियाती लड़ाई भी की, मैं मोहनलाल को और वो मुझे आजमाता रहा, खौफजदा करता रहा। सुबह तक हम थक चुके थे। अली सुबह मैंने जल्दी से एक दूसरा जंतर शुरू कर दिया, लेकिन कबल इसके कि मैं अपना जाप पूरा करता, मोहनलाल ने पलटकर इंतहाई सुरत से मुझ पर वार कर दिया। मैंने मंत्र छोड़कर अपना बचाव करना चाहा, लेकिन मोहनलाल के बैरों ने डरावनी सूरतों में नमदार होकर मुझे जकड़ लिया। इनकी गिरफ्त इस कदर सख्त थी कि मेरा दम घुटने लगा। मुझे अपनी पसलियां टूटती हुई महसूस हो रही थी। मैंने इस तकलीफ को भूलकर तोड़ करने के लिए एक मंत्र पढ़ना चाहा, लेकिन मोहनलाल मेरे इरादे को भांप चुका था। उसने तेजी से अपने सीने का एक बाल तोड़कर मेरी तरफ उछाल दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ मेरे लिए हैरतअंगेज था। मेरे होंठ इस तरह एक दूसरे से चिपक कर रह गए जैसे इन्हें सी दिया गया हो। होंठों के अलावा मेरी जुबान भी तालू से चिपक कर रह गई थी। मैं भी सोच ही रहा था कि इसका कोई तदारक करूं कि मोहनलाल के खतरनाक बैरों ने मुझे रस्सियों से जकड़कर फर्श पर डाल दिया। अब मैं पूरी तरह बेबस हो चुका था। मोहनलाल ने मुझे बेबस देकर अपना उल्टा पांव फर्श पर मारा तो इसके बैर गायब हो गए। मंदिर के तहखाने में अब सिवाय मेरे और मोहनलाल के कोई तीसरा नहीं था। वह मुझे बड़ी कीनातूज नजरों से देख रहा था। मैं इसके सामने कुर्बानी के बेजुबान बकरे की तरह बंधा पड़ा था। होंठ और जुबान बंद हो जाने के बाद अब ना तो मैं कोई मंत्र पढ़ सकता था ना मैं बोल सकता था। क्यों कृष्ण कुमार, मैंने तुमसे कहा था कि जीत हमेशा इसी की होती है जो समझ से काम ले, मोहनलाल ने थके हुए लहजे में कहा। मैंने हकारत से नजरें फेर ली तो मोहनलाल की आवाज फिर मेरी समाज से टकराई। तुम इस समय मेरे दया के मोहताज हो कृष्ण कुमार। दुश्मन पर दया खाना मेरे असूल के खिलाफ है। मैं अगर चाहूं तो एक इशारे से तुमको नरक में झुक सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुमने मुझे बहुत दुख दिए हैं, इस बार तुम्हें क्षमा नहीं की जाएगी। मैं तुम्हें सिसका सिसका और तड़पा तड़पा कर मारूंगा। ऐसा शराब दूंगा तुम्हारी आत्मा भी तड़प उठे। मैं जानता था कि मोहनलाल मुझ पर कभी दया नहीं करेगा, लेकिन इस वक्त ना तो मुझे अपनी मौत का खौफ था ना ही अपनी बेबसी का मलाल था। मैंने पार्वती के मामले में सोचना शुरू कर दिया था, जिसको हासिल करने की खातिर मैंने दुनिया को त्याग कर सिर्फ इसी की पूजा की थी। मुझे सोनाघाट आने से पहले पूरा विश्वास था कि मैं मोहनलाल को ठिकाने लगाकर बिला शिरकत गैरे पार्वती का दावेदार बन जाऊंगा और फिर अपना जीवन इसके स्थान पर गुजारूंगा। लेकिन हालात ने मुझे इस कदर बेबस कर दिया था कि मैं अपनी जुबान हिलाने से भी कासिर था। मेरे जहन में मौत के भयानक तस्वर से ज्यादा रह कर यही एक आशा मचल रही थी कि मरने से पहले मैं आखिरी बार देवी का दर्शन कर लूं। मेरे दिल की धड़कनें इस समय पार्वती का शुभ नाम जप रही थी। मैं अभी देवी के ध्यान में मस्त था कि मोहनलाल ने मुझे मुहातब करते हुए कहा, कृष्ण कुमार क्या मरने से बेहतर तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार नहीं करोगे। मोहनलाल का जुमला सुनकर मैंने हसरत भरी नजरों से इसकी तरफ देखा, फिर एक सर्द आह भरकर आंखें मूंद दी तो मोहनलाल ने मेरी बेबसी का मजाक उड़ाते हुए कहा, देखा तुमने, मैं ना कहता था सोच लो, अब फिर तुम्हारे चेहरे पर यह कर्व कैसा है। अपने बैरों को आवाज क्यों नहीं देते कृष्ण कुमार। मैं जवाब देने के बजाय आंखें बंद किए पड़ा रहा। मेरा जहन एक बार भी पार्वती के तस्वर में गुम हो गया। देवी के दर्शन की आशा ने मुझे ऐसा बेचैन किया कि मेरे जहन पर गनूदगी तारी होने लगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा जहन गहराइयों में डूबता जा रहा। मुझ पर एक अजीब सी कैफियत तारी थी और फिर अचानक संदली खुशबू की तेज महक मेरे दिल दिमाग को मुअत्तर कर गई। मदहोशी के आलम में मैंने देखा कि ताकत की अजीम देवी मेरे सामने खड़ी है, लेकिन इसके चेहरे पर उलझन और परेशानी के मिले जुले तासुरात देखकर मेरा दिल तड़प उठा। मैंने पार्वती को आज पहली बार इस कदर मलूल देखा था। वो किसी गहरी सोच में गर्क नजर आ रही थी। उसकी मद भरी आंखें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। अभी मैं देवी की मनमोहनी सूरत को जी भरकर देखने भी ना पाया था कि उसकी आवाज मेरे कानों से टकराई, कृष्ण कुमार तुमने मेरे लिए कठिन परीक्षा की है, इस कारण मैं समय तुमको मोहनलाल के कष्ट से बचाकर कहीं और पहुंचाने के लिए आई हूं, परंतु कल क्या होगा वो तुम्हारे भाग में लिखा जा चुका है, इस लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। पार्वती देवी के इस जुमले के बाद मेरा जहन अंधेरों में डूबता चला गया। सोनाघाट के खौफनाक पुजारी ने मुझे पुरसरार मंत्रों के जोर से इतना बेबस कर दिया था कि ना तो मैं जुबान हिला सकता था ना होंठों को जुम्बश देने के काबिल था। पार्वती ने ऐन वक्त पर मेरी मदद ना की होती तो मेरा इत्तेमाम यकीनी था। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को मथुरा की एक बारौनक सड़क पर पड़ा हुआ पाया। पार्वती ने एक बार फिर मेरे हाल पर तरस खाया और मुझे मुंजी मोहनलाल के शिकंजे से बचाकर यहाँ पहुंचा दिया। मैंने बहुत गनीमत जाना, वरना इस दास्तान का लिखने वाला इस दुनिया में मौजूद ना होता। सोनाघाट के पुराने मंदिर के तहखाने में मेरे ऊपर जो कुछ गुजरी थी, मैं इसका एक एक मंजर मेरी नजरों के सामने घूमने लगा। मगर मुझे इस बात पर बड़ी हैरत थी कि ताकत की अजीम देवी, शिव शंकर महाराज की धर्म पत्नी, गणेश देवता की खालक और उमा भैरवी, मसीह का सती काली और दुर्गा जैसी मुतद्दद दसवीं अस्मा की हामल पार्वती जब मुझ पर मेहरबान थी, तो फिर आखिर वो कौन सी ताकत थी जो मुझे मोहनलाल के मुकाबले में हमेशा शिकस्त से दो चार करती थी।